Hello students, welcome at KitKat Digital Learning. I'm your computer teacher. Today I'm presenting you lecture number 1 and topic is keyboard. From your book Keyboard of Computer Class 2 published by Oxford University Press. Today is Monday 12 June 2023. We'll start our topic. I would like advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKat Digital Learning. Number 1, like and subscribe your school channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple times video till find out the answer. So let's start our topic keyboard. A keyboard is a device that consists of a number of keys. It helps us to type, give commands, play games, and move from one point to another. We type on a computer by pressing the keys on the keyboard of a computer. Whatever we type on the keyboard appears on the monitor. Keyboard kya hai? Hamari device hai jo number keys pe consist karti hai aur it helps us to hamare jo help karne ke liye type ke liye kaam aati hai, commands ke liye kaam aati hai aur jo hai hamari games khelne ke liye keyboard kaam aata hai aur jo hai ek point se dusre point tak jaane दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी हमारा कीबोर्ड काम आता है और जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हम क्या प्रेसिंग करते हैं कीज़ मतलब कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो हमारा जो है वो रिज़ल्ट कहाँ से करवाता है मॉनिटर पे। कीबोर्ड जनरली हैज़ 104 कीज़। कीबोर्ड के अंदर जो है हमारे जनरली क्या 104 कीज़ होती हैं। नॉर्मली जो है कीबोर्ड के अंदर जो हमारी कितनी 104 कीज़ होती हैं। अब हमारा टॉपिक कर्सर कंट्रोल कीज़ मतलब जो है कंट्रोल कीज़ कौन सी होती हैं मतलब उसको क्या कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अ कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर दैट शोज़ द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर्ड। कर्सर की अब जो है कर्सर कीज़ की हम बात नहीं करते हम सिर्फ अभी कर्सर की बात करते हैं। वो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है मतलब जो है आती और जाती रहती है वो जो है हमारी क्या ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको हम कर्सर कहते हैं कि डेट शो द पोजीशन मतलब वो उस पोजीशन पे शो करवाता है कि हम इस पोजीशन पे हैं। ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर मतलब जो है अगर हम कोई भी वर्ड लिख लें उसके बाद वो नेक्स्ट वर्ड पर चला जाता है वो हमारा कर्सर। अब लिखा हुआ नीचे द कर्सर लुक लाइक दिस मतलब आप देख रहे हैं कि एक लाइन आ रही है सीधी सी इसको हम क्या कहते हैं कर्सर। द कर्सर कंट्रोल कीज़ ऑल्सो कॉल्ड एरो कीज़ आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर। अब कर्सर को कंट्रोल करने वाली कीज़ कौन सी होती है हमारी एरो कीज़ जो कर्सर को हमारी मूविंग करवाए जैसे हमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमें जो लेके जाए वो क्या एरो कीज़ लेके जाती हैं। अब वो किस तरह दिखती हैं वो देखते हैं हम। ये होती हैं हमारी एरो कीज़ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये हमारी क्या होती हैं एरो कीज़। इससे हम कर्सर को ऊपर भी लेके जा सकते हैं नीचे भी साइड में दोनों साइड में मतलब राइट लेफ्ट पे भी लेके जा सकते हैं। बैक स्पेस की व्हेन प्रेस द बैक स्पेस की रेजेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर इन दिस एग्जांपल यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द कीबोर्ड टू कीबोर्ड पोजिशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट वाई and then use the backspace key to erase the extra y। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है जब भी मतलब बैक स्पेस की दबाते हैं तो जो है हम जो भी टाइप हुआ होता है वो लेफ्ट साइड से जो है मिटता है राइट साइड से कभी भी नहीं मिटेगा। आप बैक स्पेस की जब मतलब दबाएंगे तो आपका क्या लेफ़्ट साइड से मिटेगा। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वाई दो बार लिखे हुए हैं तो वो एग्जांपल दे रहे हैं यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड मतलब यहाँ पर हमें करेक्ट करनी है कीबोर्ड की स्पेलिंग तो दो वाई हमें एक वाई क्या रब करना है तो पोजीशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट वाई मतलब जो है हमारा जो फर्स्ट वाई है उस पर क्या पोजिशन है इसकी वाई की उसके बाद बैक स्पेस की दबाएंगे तो एक्स्ट्रा वाई जो हमारा कट हो जाएगा मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कभी भी नहीं कट होगा। हमारा जब बैक स्पेस की दबाते हैं तो क्या लेफ्ट साइड से हमारी जो भी चीज़ हमें कुछ मिटाएं तो लेफ्ट साइड से हमें वो हमारी उधर से जो है वो कट होगी लेफ्ट साइड से। अब क्या डिलीट की व्हेन प्रेस द डिलीट की इरेजेस एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर इन द एग्जांपल यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर टू मॉनिटर पोजिशन द कर्सर ऑफ द फर्स्ट ओ एंड देन यूज द डिलीट की टू रेज आर। अब बैक स्पेस की में मैंने आपको क्या बताया था लेफ़्ट साइड से कोई भी चीज़ हमें रेज करनी हो तो हम क्या लेफ़्ट साइड से करेंगे बैक स्पेस की जब दबाते हैं तो लेफ़्ट साइड से हमारी रेज होती है लेकिन लीड की में क्या हमारे राइट साइड से रेज होगा। अब जिस तरह यहाँ पर मॉनिटर लिखा हुआ ना हमें मॉनिटर चाहिए मतलब हमें क्या मतलब इसमें ओ आर के बीच में रखेंगे तो फिर
तो ये राइट साइड से क्या इरेज हो जाएगा, मतलब आर मिटेगा। डिलीट की अगर दबाएंगे तो मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि राइट साइड से डिलीट की दबाते हैं तो राइट साइड से मिटता है, तो हमारा फिर मॉनिटर बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कैप्स लॉक की के बारे में। व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ ऑन द लेटर्स दैट आर टाइप अपीयर्स इन कैपिटल्स ऑन द मॉनिटर। जब हम कैप्स लॉक की दबाते हैं तो मतलब हमारी कैप्स लॉक की देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का यहाँ पर जो सिंबल आया हुआ है वो दबाते हैं तो हमारे जो है उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर लाइट चल जाती है, मतलब कैप्स लॉक की ऑन हो जाती है। तो वो दबा देते हैं तो वो मतलब ऑन हो जाती है। फिर भी हम कुछ टाइप करते हैं तो क्या कैपिटल लेटर्स में हमारा सब कुछ लिखा जाता है। अब वर्ड में फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप द वर्ड माउस, अब लिखा है स्मॉल में माउस, ठीक है, इट विल अपेयर एज माउस ऑन द मॉनिटर व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ ऑफ द लेटर डेटर टाइप अपेयर इन स्मॉल लेटर्स ऑन द मॉनिटर। मतलब अगर आप जो ओपन करेंगे कैप्स लॉक की तो आपके लेटर्स कैपिटल लिखे जाएंगे, ऑफ करेंगे तो क्या स्मॉल लिखे जाएंगे मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे शो होंगे हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर लॉक की, इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड द नंबर लॉक की शुड बी ओपन, द नंबर कीपैड एंड द नंबर लॉक की आर शोन बिलो। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर नंबर लॉक मतलब ग्रीन कलर का जो है, अगर आप नंबर लॉक की दबाएंगे तो आपके ग्रीन कलर का ये क्या लाइट ओपन हो जाएगी, मतलब आपका नंबर लॉक की क्या ओपन हो जाएगी, तो आप जो अपने नंबर आसानी से क्या टाइप कर सकते हैं। अब शिफ्ट की के बारे में देखते हैं। द शिफ्ट की इज़ यूज अलॉन्ग विद अदर कीज़, देर आर टू शिफ्ट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। अब क्या हमारी कि कीबोर्ड के अंदर दो शिफ्ट कीज़ हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, और दोनों का क्या सेम काम है। व्हेन यू वांट टू टाइप द अपर सिंबल ऑन एनी ऑफ द कीज़ कलर ऑरेंज यूज शिफ्ट की। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि आप लोग के पास यहाँ पर शिफ्ट कीज़ के साथ मतलब शिफ्ट की के साथ आप लोग ये वाले जो है कीज़ दबाएंगे तो हमारे पास आएंगे। अब ये शिफ्ट की देखें ऑरेंज कीज़ जो है आपके पास कीबोर्ड में, यहाँ पर क्या ए दिया हुआ है, वहाँ पर ऊपर हैश का साइन है। अब हमें हैश का साइन चाहिए, थ्री तो हमारे जो इस तरह ही आ जाएगा मॉनिटर पे, लेकिन अब हैश किस तरह लाएँ तो हम शिफ्ट की दबा के रखेंगे और थ्री दबाएंगे तो हमारा क्या हैश आ जाएगा। अब ये जितने भी ऑरेंज वाली कीज़ हैं इनको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमारे पास दो दो मतलब जो यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, इसी नंबर पर सिंबल भी दिए हुए हैं। अगर हमें ऊपर वाले जो भी सिंबल्स चाहिए वो क्या शिफ्ट की के साथ आएंगे, नीचे वाली सिंपल सिर्फ की दबाएंगे तो हमारे मॉनिटर पर आ जाएंगे। अब है हमारे पास टैप की। द टैप की इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस, फॉर एग्जांपल टाइप योर फर्स्ट नेम एंड देन प्रेस द टैप की, सी द कर्सर मूव बाय मैनी स्पेसेस। अब जो टैप की है वो लेफ्ट साइड पे होती है कीबोर्ड के, कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस, मतलब अगर हम कोई भी फर्स्ट नेम लिखें और टैप की दबाएं उसके बाद वो काफ़ी सारे स्पेसेस दे के उसके बाद जो है सेकंड हमारा नेम लिख सकते हैं। अगर हमने एक बंदे का नेम लिखा अली, उसके बाद हमने स्पेस दे के दूसरा नेम लिखना है तो हम तो स्पेस तो दबाते हैं, हमारे पास एक स्पेस की होती लंबी सी, हम वो दबा सकते हैं, लेकिन हमें काफ़ी सारा गैप चाहिए। अब हम बार बार तो नहीं दबा सकते उसको, हमने सिर्फ एक बार टैप की दबाई तो वो मैनी स्पेसेस दे देती है, उसके बाद वो सेकंड नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मनाल, उसके बाद खान लिखा है, कितने स्पेसेस हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है स्कैप की। अब स्कैप की क्या काम करते हैं, स्कैप की इज़ यूज टू क्लोज अ मेन्यू और डायलॉग बॉक्स, इट इज़ रिप्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द क्लिक द स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक एंड डू नॉट वांट टू वर्क विद द स्टार्ट मेन्यू जस्ट प्रेस द स्कैप की एंड देन मेन्यू विल डिसअपीयर। अब स्कैप की क्या होती है, हमारा जो भी अगर डायलॉग बॉक्स वगैरह कुछ भी खुल जाए गलती से, जैसे हमारा जो नीचे होता है स्टार्ट मेन्यू जो कलरफुल होता है वो हमारे पास क्लिक हो गया, अब हम बोलेंगे बंद कहाँ से करें, हमारा माउस भी काम करना छोड़ दिया हो या कोई डायलॉग बॉक्स वगैरह हमारा खुले, तो हम जो उसको बंद करने के स्कैप की दबाते हैं, हमारा जो अपर जो है कॉर्नर में होता है जो अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है कीबोर्ड का, वहाँ पर ये स्कैप की होती है। होप यू एंजॉय एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक टुडे वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ किटकैट डिजिटल लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, रिप्लाई आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन विद 24 आवर्स टू मेंटेन योर सम एजुकेशन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एज टोटल 10 मार्क्स इन योर फाइनल टर्म एग्जाम बेस्ड ऑन रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस। होप टू सी नेक्स्ट टॉपिक एंड लर्न मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।